हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। UPSC में लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि कैलेंडर कब तक जारी होगा, तो उनके लिए एक अच्छी अपडेट निकल के सामने आ रही है। UPSC कैलेंडर कब तक जारी होगा, ठीक है, ये आपकी अपडेट है। उसके अलावा हम कई अन्य भर्तियों पर बात करेंगे, जैसे कि जो है नई भर्तियाँ कुछ आने वाली हैं जिनका विज्ञापन हो सकता है कि आपको अप्रैल लास्ट से देखने को मिले। उसके अलावा ANM और लेखपाल की परीक्षाओं के बारे में हम बात करेंगे, पुरानी परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, सभी पे हम बात करेंगे। लगभग जितनी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कैलेंडर से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने कैलेंडर लगभग तैयार कर लिया है। आपको नेक्स्ट वीक तक आपको कैलेंडर UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। कब तक? नेक्स्ट वीक तक। तो निश्चिंत रहिए इसके बारे में, कैलेंडर के बारे में जो हम जानकारी देंगे वो आपको कैलेंडर में मिल जाएगी आपको, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीक तक मिलेगी। ये भी चांस है कि आपको इसी हफ्ते देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि नेक्स्ट वीक तक आपको UPSC का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। अब बात करते हैं ANM व JNM लेखपाल की परीक्षाएँ कब होगी। तो देखिए, UPSC कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करें तो मई में ANM की परीक्षा करा ली जाएगी, क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थी हैं, करीब शायद 16,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, 16 या 18,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं इसमें। तो इसमें इसकी परीक्षा आपको मई में करा ली जाएगी। लेखपाल की परीक्षा आपको जून लास्ट में कराई जाएगी, ठीक है, जून लास्ट में। वीडियो के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, हम अभी लेटेस्ट जानकारी इस पर नहीं दे पाएंगे वीडियो की, इसकी अपडेट हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन इन दोनों की परीक्षाएं मई और जून में करा ली जाएंगी, ठीक है। तीसरे विज्ञापन की अभी अपडेट नहीं है, जो इंस्ट्रक्टर ITI इंस्ट्रक्टर की आई थी उसके बारे में भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं। ANM की मुख्य परीक्षा में सभी को मौका मिलेगा। इसका कारण ये है कि बहुत कम लोग फॉर्म भरे, 16 से शायद 18 या 16 के आसपास हज़ार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, तो करीब 9,000 तो पोस्ट ही है, 9,200 कुछ। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जो परीक्षा में शामिल होंगे लगभग सभी सफल होंगे, हमने पहले ही बताया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ANM की मुख्य परीक्षा आपको मई में करा ली जाएगी, तो आपको निश्चिंत रहना इसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ANM की मुख्य परीक्षा सभी हो गई है, पुरानी परीक्षाएं कब से? लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि भैया सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाले तो सबसे ज्यादा परेशान है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। वास्तव में अगर किसी परीक्षा के लिए इस समय JEE के बाद अगर किन्हीं ने संघर्ष किया है तो शायद सांख्यिकी अधिकारी वालों ने किया है। JEE वाले सफल हो गए, लेकिन सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाले असफल हो गए। उसका कारण ये है कि JEE में जो है फॉर्म काफ़ी ज़्यादा था, करीब 1.5 लाख के आसपास फॉर्म था, और इसमें केवल 10,144 हैं। इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी थोड़ा सा डिप्लोमा की वजह से कन्फ्यूज हैं, इसीलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाले। तो पुरानी परीक्षाओं की बात करें तो आपकी जो है मई में एक पुरानी परीक्षा हो सकती है, वो हो सकती है 2016 की एक शायद भर्ती आई थी, कोई ITI से रिलेटेड कोई भर्ती थी शायद, जो भी थी उसको उसकी परीक्षा 2016 की एक परीक्षा बची है, वो शायद आपको मई में करा ली जाए। जून में एक और परीक्षा होगी आपकी, हो सकता है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा हो और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा आपकी जून। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की बात करें तो ASO की परीक्षा जुलाई लास्ट में जो प्रस्तावित है, ये हो सकता है, इसमें शेड्यूल अगर चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है, जुलाई लास्ट में आपकी सहायक सांख्यिकी के अधिकारी की परीक्षा करा ली जाएगी, ठीक है। PET है, PET 2022 की परीक्षा भी अगस्त में प्रस्तावित है, तो इसका जो परिणाम है आपको जो PET की जो नया फॉर्म है वो आपको हो सकता है कि अप्रैल लास्ट या मई में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो PET 2022 का भी ऑनलाइन आवेदन आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अगली भर्ती परीक्षा का विज्ञापन कब होगा? तो जूनियर असिस्टेंट का एक भर्ती का विज्ञापन आपको जल्दी UPSC की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 3,000 के आसपास पद हों, हालांकि केवल जूनियर असिस्टेंट का नहीं रहेगा, इसमें जूनियर असिस्टेंट के अलावा अब क्या करेगा आयोग, अभी तक अलग अलग भर्तियों का विज्ञापन निकालता था, जैसे लेखपाल हो गए ये सब, लेकिन अब जैसे जूनियर असिस्टेंट का जो समान योग्यता वाले जूनियर असिस्टेंट का और स्टेनो का एक साथ विज्ञापन आयोग निकालेगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला के भर्तियां होंगी और दोनों की परीक्षा एक साथ होंगी। इसका कारण ये है आयोग का करने का, क्योंकि छोटी छोटी भर्तियों को इकट्ठा जोड़ के जिसमें ज़्यादा अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, अगर इनको अलग अलग निकालेंगे तो फिर वही जो है टॉप परसेंटाइल वाले वही बार बार हर परीक्षा में बैठेंगे, और इस प्रकार से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।
लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए कहानी रही है। लेखपाल की भर्ती की अगर हम बात करें तो केवल 13.5 लाख अभ्यर्थी लेखपाल का परीक्षा का फॉर्म डाले हैं, ठीक है। इसमें से जो बहुत लोअर कट ऑफ वाले हैं वो नहीं डाले हैं, हाई वाले भी नहीं डाले हैं। तो 85+ जो हैं वो कम से कम अनरिजर और ओबीसी वाले इस पे 85+ वाले तैयारी अपनी जम के करते रहें, आपको मौका मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीए यानी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 और जूनियर असिस्टेंट 2016 का अंतिम पड़ा। इन दोनों में से एक परिणाम आपको हो सकता है इस वीक के लास्ट में या नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा, और एक परिणाम जूनियर असिस्टेंट 16 का परिणाम आपको हो सकता है कि 15 अप्रैल के बाद आपको UPSC की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। लोअर PCS का जो अपडेट है आपके डीवी जो है मई में कराई जाएगी, उसके पहले संभावना नहीं है। मंडी परिषद वालों की जांच अभी चल रही है, इसमें अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। इसमें हाँ धांधली पाई गई ही, अब क्या होता है डिसीजन ये तो सरकार द्वारा लिया जाएगा, लेकिन धांधली करीब बड़ी मात्रा में पाई गई है इसमें। तो क्या होगा ये फैसला तो अभी सरकार का होगा, आयोग का होगा, लेकिन इस पर अभी जाँच चल रही है, ठीक है। तो इस पर अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं है। और लोअर PCS का जो है ये है कि काफ़ी अभ्यर्थी अभी छटना है, करीब 3 गुना अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया है लोअर मेंस के लिए। तो ये आपके लिए अपडेट रही है, पूरी जानकारी आपको हमने दे दी है इस वीडियो में कैलेंडर से संबंधित और UPSC के व्यवसाय भर्तियों से संबंधित। इंतजार करिए, हो सकता है कि आपको ये कैलेंडर आपको जल्द ही UPSC की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी जानकारी रहेगी, 1-2 नई भर्तियों को विज्ञापन और आएगा, 1 एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ सकता है। बाकी और भर्तियों की उम्मीद अभी आप नहीं करिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी चुनाव समय में बीता है तो इतनी जल्दी आएंगी भी नहीं। PET 2022 के लिए लगे रही, इस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है अगले साल आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये रही अपडेट आपके लिए, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।